क्लास के अटेंडेंस शीट या किसी ऑफिस के अटेंडेंस शीट को मैनेज करना सिखाएंगे एक्सेल में। कोई डाउट है? मतलब 30 दिन होता है या 31 दिनों का दिन होता है, उसमें किसी व्यक्ति का प्रेजेंट या एब्सेंट ये बात तय करता है कि उसकी कितनी सैलरी बनेगी। आपका क्या बनेगा कि मैं पूरे साल भर में कितना दिन प्रेजेंट रहा, कितना दिन एब्सेंट रहा और मेरा परसेंटेज ऑफ अटेंडेंस क्या रहेगा साल के आखिर में। बहुत सारे स्कूलों में इसके लिए जो सबसे ज़्यादा अटेंडेंस वाले स्टूडेंट हैं उनको अवार्ड भी दिया जाता है मोटिवेट करने के लिए। ठीक है, तो वैसे किसी भी अटेंडेंस शीट को हम कैसे एक्सेल में मैनेज करेंगे वो देखेंगे। सो प्लीज गर्ल्स, क्लास कहाँ गया? अटेंडेंस सीट, ठीक है, और डेट हो जाएगा आपका आज है 10/8/23। कोई डाउट है? किसी का अगर लैब नोट्स छूट जाता है तो वो मुझे बोलेगा, मैं जाकर के उसको देखिए 7A का थर्ड डे में याद है ना, फाइल आ रही है, फाइल 3 तारीख की थी, 4 डेमो कितना हो गया है 10। स्टार्ट कर रहा हूँ, पहला टॉपिक था फिल्टर, याद है? चलिए, जो अभी हम आपको क्लास में डिस्कस करके आए कि हाउ विल मेक अ फिल्टर। चलिए पहले देखते हैं, पहले देख लो उसके बाद से आइटम परचेज सेल। ये किस महीने का है ये मुझे बता दो। पेन पेंसिल रबर इरेजर मार्कर रबर मार्कर पेंसिल ठीक है। परचेज 125 252 किसी को डेटा में समझने में दिक्कत हो कभी भी आप कुछ भी पूछ सकते हैं, के लिए फ्री है।